हाँ साथियों देखते हैं आगे। देश में बर्बादी है, लाडली माँ की आजादी है, आओ बहनों गीत गाओ मेरे भगत की शादी है। देश में बर्बादी है, लाडली माँ की आजादी है, आओ बहनों गीत गाओ मेरे भगत लगाई जा रही थी। उस समय भगत सिंह ने यह कहा था कि मां यदि तू सच में मुझे प्यार करती है तो एक काम कर। बोले क्या? भगत सिंह कहता है कि मां एक बात बता, जब किसी का बेटा शादी करने के लिए दुल्हन लेने के लिए जाता है तो माताएं गीत गाती हैं। बोले हां गाती हैं, तो तू भी गीत गा जा जाकर यदि मुझे प्यार करती है सच में। अब विचार करना, जिसके बेटे को फांसी लगा दी जा रही हो उसकी उस माँ पर कैसे गीत गावेंगे। लेकिन माँ ने छाती पर पत्थर रख के कहा है कि मेरा बेटा कह रहा है, उसका कहना मानेंगे। भगत सिंह कहता है माँ में आजादी रूपी दुल्हन लेने के लिए जा रहे हैं और तू गीत गा, और ऐसी दुल्हन लेकर के आएंगे घर को नहीं, समाज को नहीं, अपितु देश को भी, देश का भी भला होगा इसमें। वो दुल्हन देश का भला करेगी। तो माँ विद्यावती, माँ विद्यावती रो करके ढोलक बजाने लगी और मोहल्ले में बुलावा भिजवा दिया है औरतों को कि सब लोग आ जाओ गीत गाने के लिए। मोहल्ले पड़ोस की औरतों ने सोचा है, बुलावा भेजा है, हो सकता है भगत सिंह को फांसी लगा दी जा रही है, इसलिए दुखी हो रही हो इसलिए बुलाया है। देखा है कि विद्यावती ढोलक लेकर के गीत गा रही है, तो लोग औरतों ने कहा है कि तू ये क्या कर रही है। विद्यावती कहती है नहीं, मेरा बेटा आजादी रूपी दुल्हन लेने के लिए जा रहा है, सब लोग गीत गाओ। तो क्या क्या शब्द हैं जरा गौर करना। माँ विद्यावती कहती है, देश में बर्बादी है, लाडली माँ की आजादी है, आओ बहनों गीत गाओ मेरे भगत की शादी है। जितने भी दुख थे दुनिया में, सबसे बेटा पार मेरा, सबसे बेटा पार मेरा। मेरी बहनों ये मत कहना, मेरी बहनों ये मत कहना, पुत्र हुआ गर्भदार मेरा, पुत्र हुआ गर्भदार मेरा। नहीं, डंडा बेड़ी लगा ली, हाथ में सजा ली, राखी भी बंधवा ली, अब मिटने की बुनियादी है। देश में बर्बादी है, लाडली माँ की आजादी है, आओ बहनों गीत गाओ मेरे भगत की। चपरासी ने पकड़ी है मेरी बहनों ये मत
हाथों बीच हथकड़ी है, हाथों बीच हथकड़ी है, फिर क्या है? नहीं, जो लोहे की जंजीर है वो कंगना है मेरे बेटे का, पता है? लोहे की जंजीर डाल जो चपरासी ने पकड़ी है, चपरासी ने पकड़ी है, मेरी बहनों ये मत कहना हाथों बीच हथकड़ी है, हाथों बीच हथकड़ी है। तो क्या बंधा कंगना हाथ में गोरे गोरे गात में, बंधा कंगना हाथ में गोरे गोरे गात में, जाएगा बरात में, बरातियों का हाथी है, देश में बर्बादी है, लाडी माँ की आजादी है, आओ बहन गीत गाओ मेरे भगत की शादी है। कहा है कि पता है बहनों, साथ में बराती कितने सुंदर जा रहे हैं। आजकल के बराती की तरह नहीं जो जा करके वहां उदम करते हैं, तमाम उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। बड़े महापुरुष बराती हैं। कौन कौन है वो? राजगुरु सुखदेव भगत के संग बराती जाएंगे, संग बराती जाएंगे। भगत के संग बराती जाएंगे, संग बराती जाएंगे। नाते रिश्तेदार भगत को, नाते रिश्तेदार भगत को फांसी हार पहनाएंगे, फांसी हार पहनाएंगे। गाओ सखियां गाने को देर होती है जाने को, गाओ सखियां गाने को देर होती है जाने को, चलो बरात चढ़ाने को, ओ संग बुआ और दादी है, देश में बर्बादी है, लाडी माँ की आजादी है, आओ बहनों की गाओ मेरे भगत की शादी है। फांसी लगा दी गई। जब भगत सिंह शहीद हो गए हैं अपने देश के ऊपर, आजकल कोई अपने घर के ऊपर नहीं शहीद होता है, वो देश के ऊपर शहीद हो गए हैं। धन्य है ऐसे महापुरुष को बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। माँ जब विद्यावती रोने लगी तो लोगों ने कहा है कि तू तो कह रही थी कि मैं रोएंगे नहीं। माँ विद्यावती कहती, मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि मेरा बेटा शहीद हो गया है, मैं इसलिए रो रही हूँ, क्यों ना मेरे दो चार बेटे और होते तो इस देश के लिए लगा देती, मैं इसलिए रो रही हूँ, इकलौता बेटा था। धन्य है ऐसी माँ, धन्य है वो गोदी सफल हो जाती है जो वीर सपूत पैदा होता है, जिस कोख से भक्त पैदा होता है। देश में बर्बादी है, लाडी माँ की आजादी है, आओ बहनों गीत गाओ मेरे भगत की शादी है। देश में बर्बादी है।